भूल भुलैया टू देखने में मज़ा तो आएगा लेकिन आप गलती से भी अगर विद्या बालन और अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया से इसकी तुलना कर बैठेंगे तो सारा मज़ा आप किरकिरा कर लेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहुल स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डोम पर आप इस बात की तुलना कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि बॉलीवुड अधिकतर ये गलती कर बैठता है कि जो काम करने जाता है उसमें नाम किसी और का जोड़ता है और काम पूरा अलग ही करता है आप इस बात को कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि मेरे परदादा ने एक मकान बनाया था जिसमें कि लकड़ी की बहुत अच्छी कारीगरी की गई थी अब लोग जो भी आते थे मेरे घर पे मेरे रिश्तेदार सब कुछ सबको सबको वहाँ घर पसंद आता था लोग उसे देखते थे अब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको और सुंदर बनाऊँ मैंने उसको रिन्यू करने का सोचा मैंने उसको रिन्यू करते करते उसमें इतने बदलाव किए कि लोगों को वो एक अलग ही घर लगने लगा कुछ इसी तरह से बॉलीवुड भी करता है बॉलीवुड सिक्वल्स बनाता है नाम वही पुराना यूज़ करता है लेकिन आगे चलकर कर उसके स्टारकास्ट तो चलो ठीक है स्टार कास्ट बदलना जायज है लेकिन डायरेक्टर तक बदल जाते हैं और कहानी का कुछ अता पता नहीं होता अलग ही कहानी हो जाती है कुछ इसी तरह से भूल बोल भुले या टू के साथ में हुआ है अगर आपने कई दिनों से हॉरर कॉमेडी मूवी नहीं देखी है तो आपके लिए यहाँ एक अच्छा मौका है अच्छी मूवी है और हाँ यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक यहाँ मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर मूवी देख लीजिए उसके बाद आप ये रिव्यू देखिएगा अदरवाइज आपके लिए इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि आप मूवी को फिर देख जा देखने में थोड़ा आपका मन ऐसा करेगा देखू या नहीं देखूँ तो चलिए हम बात करते हैं अगर आपने काफ़ी दिनों से हॉरर कॉमेडी मूवी नहीं देखी है तो आपके लिए एक अच्छी मूवी साबित हो सकती है बस शर्त एक है कि आप अपना दिमाग घर पर रख के जाइएगा और सिर्फ मज़े लेने के लिए ये मूवी देखिएगा आप तुलना अगर कर बैठे हैं वहाँ पर जाके थिएटर में तो आप बैठे बैठे सिर्फ तुलना ही करते रह जाएंगे कहीं कहीं पर आपका दिमाग आपका ये साथ छोड़ देगा कि इसमें लॉजिक ही नहीं है तो चलिए जानते हैं तो कहानी फिर से वही मंजुलिका की है लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड कहानी के किरदारों के साथ साथ कहानी भी चेंज कर देता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कहानी अगर सिक्वल बनाना है तो पुराने सिक्वल के पुरानी फिल्म से कहानी आगे बढ़ सकती है लेकिन यहाँ पर भी वही कहानी मंजुलिका की है बस फर्क सिर्फ इतना है सिर्फ बोलो आप इसे या फिर पूरा पूरा फर्क बोल सकते हो फ़र्क इतना है कि यहाँ पर मंजुलिका अपने पिता और अपनी बहन के साथ में आती है राजस्थान बंगाल से ही पिछली फिल्म में हमने देखा था कि मंजुलिका अकेली रहती है यहाँ पर मंजुलिका के पिता और उसकी बहन को भी जोड़ दिया गया है अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मंजुलिका की बहन का नाम भी अंजुलिका है और वहां भी उसकी तरह ही दिखती है राजस्थान आने के बाद उनके पिता को वहां के राजा के दरबार में नौकरी मिल जाती है लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि राजस्थान आने के पहले भी मंजुलिका के पिता का प्यार अंजुलिका पर ज़्यादा था जो चीज़ की मंजुलिका को पसंद नहीं आई और मंजुलिका इसी बात का बदला लेने के लिए काला जादू सीखने लगती है जब मंजुलिका काला जादू सीख रही होती है तभी उसे एक बात का पता चलता है उसके पिता के साथ साथ वहाँ का रा, राजस्थान का राजा भी उसकी बहन अंजुलिका से प्यार करने लगता है बस, बस इसी बात का बदला लेना वहाँ चाहती है तो वहाँ अपने पिता को मारने के साथ साथ राजा को भी मारने की कोशिश करती है लेकिन इसी कोशिश में अंजुलिका मंजुलिका को मार देती है अब यहाँ पर अंजुलिका और मंजुलिका दोनों ही हमसकल है और दोनों के किरदार में तब्बू आपको नज़र आने वाली है अहरे मरने के बाद मंजुलिका वापस से भूत बन जाती है और कहानी फिर से वही दोहराई जाती है उसे तांत्रिक की मदद से एक कमरे में बंद कर दिया जाता है लेकिन कहानी में मोड़ कुछ उसी तरह से आता है इस परिवार के बंगले में मंजुलिका को कैद किया जाता है उस परिवार की एक बेटी बाहर पढ़ रही होती है जो कि होती है क्यारा आडवाणी कियारा आडवाणी को घर वापस बुलाया जाता है शादी के लिए लेकिन वो किसी बहाने से शादी नहीं करना चाहती है और वो चाहती है कि उनके पहले उनकी छोटी बहन की शादी हो जाए और इस चीज़ में उनकी मदद करते हैं राजीव राजीव रंधावा जो कि है कार्तिक आर्यन कार्तिक आर्यन उनको रास्ते में मिले हैं उनको रास्ते में दोस्ती हुई है और वो इस काम में उनकी मदद करते हैं वह कार्तिक आर्यन यहाँ पर केरा आडवाणी के एक्सीडेंट की एक झूठी कहानी बनाते हैं और उनके परिवार वालों को बताते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उनकी आखिरी इच्छा है जिससे उनकी शादी हो रही थी उससे उनकी छोटी बहन की शादी हो जाए और इस शादी को करने के लिए उसी महल में जाते हैं जिसमें कि मंजुल का कैद है और वहीं सब भूतिया हरकतें वापस से शुरू होती है लेकिन भूल भुलैया टू भूल भुलैया जैसा करिश्मा पैदा नहीं कर पाती है जिस तरह से वजन और विद्या बालन ने करिश्मा किया था उस तरह का वजन ना तो कार्तिक आर्यन पैदा कर पाते हैं और ना ही उस तरह का करिश्मा तब्बू कर पाती है पर कियारा आडवाणी को जिस तरह से सीन्स दिए गए हैं जिस तरह से उनको मूवी में दिखाया गया है उससे ऐसा लगता है कि उनका ना होना भी इस मूवी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता था तब्बू के कंधे पर पूरी मूवी को ढोया गया है तब्बू के कंधे पर ही पूरी मूवी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है लेकिन वो भी उस तरह का करिश्मा नहीं कर पाई हैं जिस तरह का विद्या बालन ने करके दिखाया था हालाँकि उस टाइम की मूवी में बहुत ज़्यादा बहुत कम ही विजुअल इफेक्ट थे बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ किया गया है लेकिन फिर भी उस तरह से करिश्मा नहीं कर पाई है मूवी और यहाँ पर आपको पहले ही सीन में दिखा दिया जाता है भूत ताकि, ताकि, ताकि आपको यहाँ नहीं लगे कि इसमें भी पिछली मूवी की तरह ही कोई केमिकल लोचा है साथ ही साथ में भूल भुले या टू में ज़्यादा मस्करा फंड डालने की कोशिश भी की गई है कार्तिक आर्यन हो गए राजपाल यादव हो गए ये जो सारे कॉमेडी हीरोज़ लिए गए हैं इन सब ने मिलकर इतना मस्करा लगाया है कि वो भी एक लिमिट के बाद में ऐसा लगने लगता है कि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है और साथ ही भूल भुलेया टू का एक भी गाना ऐसा नहीं है जो जुबान पर लोगों की चढ़ा हो मतलब आपको अगर पता हो तो भूल भुलैया का गाना हरे कृष्णा हरे राम और तेरी आंखें भूल भुलैया उस टाइम पर हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ था यहाँ पर एक भी गाना ऐसा नहीं है जो किसी की जुबान पर चढ़ा गया हो हालांकि माँ काली के कुछ भजन को भी रोमांटिक गानों के रूप में दिखाया गया है उस तरह की कोशिश भी की गई है लेकिन वो भी नाकाम साबित हुई है कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए यहाँ एक अच्छी मूवी है कार्तिक आर्यन के जो डायहाट फैंस हैं वो जाकर इस मूवी को जरूर देखेंगे और उनके लिए यहाँ मूवी अच्छी मूवी साबित हो सकती है क्योंकि कार्तिक आर्यन ने यहाँ पर काम अच्छा खासा काम किया है उनकी एक अलग छवि निकल कर आती है बार वहाँ यह चीज साबित कर देते हैं कि वह किसी जोनर के एक्टर नहीं है यहाँ पर भी उनने एक अलग ही किरदार प्ले किया है अच्छा किरदार प्ले किया है लेकिन कुल मिलाकर यहाँ मूवी भूल भूलैया जैसा अपना जादू नहीं चला पाई है फिर भी अगर वन लाइनर में कहूँ तो यह मूवी देखने लायक है जाकर जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है यह मूवी अगर मैं तुलना करूँ भूल भुलैया से तो मुझे उस मूवी की जितना इस मूवी में मजा नहीं आया है आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ